आज हम लोग करेंगे बीएससी पार्ट थ्री में ऑप्शनल पेपर में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है नेपियर्स एनालॉजी, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स एनालॉजी, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स नेपियर्स एनालॉजी। आंसर, इसमें कहा जाता है कि मान लेते हैं कि ए बी सी बिया स्फेरिकल ट्रायंगल, देन देन टेन ए बाई ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस ए प्लस बी बाई टू बाई कॉस, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू और यहाँ पे कॉट सी बाई टू, ये एंगल में आएगा कॉट के साथ जो सी बाई टू, और ये साइड हो गया ए माइनस बी स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला हो गया साइड, ठीक है, ये वाला भी, यहाँ ये एंगल है सी और यहाँ पे एंगल है ए एंगल है बी। आगे देखिए, ये हुआ पहला, दूसरा टेन ए माइनस बी बाई टू बराबर साइन ए माइनस बी बाई टू बाई साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, तीसरा टेन ए प्लस बी बाई टू साइड में, ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी बाई टू बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू टेन स्मॉल साइड, मतलब साइड है सी बाई टू, फिर है टेन ए माइनस बी बाई टू, तो ये होता है साइन ए माइनस बी बाई टू बाई साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू। इसको हम लोग कहते हैं नेपियर्स एनालॉजी, और ये जो नेपियर्स एनालॉजी है इसको हम लोग को क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो आइए, प्रूफ कॉपी पे नोट नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया जा रहा है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके देखिए। इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी बी अ स्फेरिकल ट्रायंगल, ए बी सी क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है, नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल, टेन ए बाई टू क्या होगा, ये होगा अंडर रूट साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी बाई साइन एस और साइन एस माइनस ए, टेन सी बाई टू क्या होगा, ये हो जाएगा साइन एस माइनस ए साइन एस माइनस बी बाई साइन एस माइनस सी, ठीक है, तो यदि हम इस दोनों को गुना कर दें टेन ए बाई टू और टेन सी बाई टू,
क्या हाथ आएगा? दोनों के लिए हम यहाँ पे गुना करेंगे, साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी। तो यहाँ दिख रहा है कि नीचे में ये साइन एस माइनस सी है, ठीक है, तो ये कटेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उस हिसाब से, या फिर गुना करके भी लिख सकते हो जैसे हम लिख रहे हैं, साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन एस माइनस ए। यहाँ लिख सकते हो साइन ऑफ एस माइनस ए साइन ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एस माइनस सी लिख दिए। अब ये क्या है कि साइन एस माइनस सी कैंसिल, एस माइनस ए है यहाँ बी है, ठीक है, साइन एस माइनस ए इसके साथ कैंसिल। यहाँ बचा क्या, ये बच गया साइन ऑफ एस माइनस बी, दो ठो आएगा तो यानी कि स्क्वायर होगा तो बाहर हो जाएगा रूट से, और यहाँ भी दो ठो आएगा तो साइन एस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अच्छा आया कि टेन ऑफ जो ए बाई टू टेन सी बाई टू है वो साइन एस माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे एस आता है। तो सिमिलरली हम कर सकते हैं कि टेन ए बाई टू और टेन सी बाई टू इतना आया, तो टेन बी बाई टू और टेन सी बाई टू करेंगे तो ये कितना आएगा, ये साइन एस माइनस ए आएगा बाई साइन एस, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि हम टेन ए बाई टू करेंगे, टेन ए बाई टू और टेन बी बाई टू करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा साइन ऑफ एस माइनस सी बाई साइन ऑफ एस आएगा। अब हमको जो निकालना है, यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, पहला वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो टेन ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट है, कॉट सी बाई टू को क्या लिखते हैं, वन बाई टेन, वन बाई टेन लिखेंगे तो यहाँ टेन क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके होगा, तो ये क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी बाई टू टेन सी बाई टू निकालना चाहिए। चलिए हम लोग निकालते हैं नाउ। तो टेन ए प्लस बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू एंगल में, तो ये क्या लिखाएगा, इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है टेन ए प्लस बी बाई टू, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू, है ना, टेन सी बाई टू। ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू बाई वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू लिख दिए। यहाँ आया टेन सी बाई टू, इसको गुना करवाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू प्लस आएगा टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू डिवाइडेड बाई ये आएगा वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है कि टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू, टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू का वैल्यू कितना आया था, एस माइनस बी बाई एस साइन एस माइनस बी बाई साइन एस, ठीक है, साइन एस माइनस बी बाई साइन एस, ठीक है। फिर आया था प्लस, आएगा साइन, ये कितना आएगा, ये आएगा एस माइनस ए बाई साइन एस, और नीचे वाला आएगा वन माइनस साइन एस माइनस सी बाई साइन एस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन एस माइनस बी इंटू साइन साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस ए बाई बाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन एस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, तो साइन एस माइनस साइन एस माइनस सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एस माइनस बी है, एस माइनस सी है,
साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला है उसको लगाइए, तो ये आ जाएगा 2 sin कितना आ जाएगा, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस एस माइनस बी माइनस एस प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin, ये हो जाएगा एस साइन एस माइनस साइन सी माइनस साइन डी है तो साइन एस तो कॉस से ना होगा पहले, तो 2 cos कितना हो जाएगा, हो जाएगा एस माइनस एस प्लस एस माइनस सी बाई 2 इंटू साइन होगा एस माइनस सी बाई 2। अब क्या आएगा निकालिए, तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया साइन, तो साइन क्या होगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए बाई 2 एस माइनस बी। हाँ तो ये हो गया 2s - a - b, यानी कि a प्लस बी भी कर सकते हैं आप, है ना, रहने दीजिए, बाई 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ कितना, ये कॉस ऑफ हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2s - c/2। अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा साइन ऑफ s - s, ये c/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन ऑफ 2s का वैल्यू डाल देंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाई 2, ये तो ठीक है कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये क्यों डाले, क्योंकि 2s बराबर होता है साइड वाला में, स्मॉल वाला में स्मॉल s होगा, ये होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ कितना, a और b कैंसिल हो गया, बच गया सी बाई 2, यहाँ हो गया कॉस ए माइनस बी बाई 2, नीचे हो गया कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। ठीक है, ये कट जाएगा साइन सी बाई 2 इसके साथ, तो क्या बचेगा, बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से फॉर्मूला सीधे सीधे प्रूफ हो गया कि टेन ए प्लस बी बाई 2 इंटू टेन सी बाई 2 था बराबर हो गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस ए प्लस बी बाई 2। टेन को उधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉट हो जाएगा, ये कॉट ऑफ सी बाई 2, यही रिजल्ट लाना था, तो पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहला वाला प्रूफ किए, ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग जो दूसरा रिजल्ट है उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि तो वो ए माइनस बी है, ठीक है, इसमें क्या है ए माइनस बी है, टेन ऑफ ए माइनस बी, तो टेन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा, ए माइनस बी बाई 2 वाला, ठीक है, और टेन सी बाई 2 करेंगे तो आसान है, ठीक है, उसको आप खुद से ही कर सकते हैं, हो जाएगा। तो पहला वाला प्रूफ हो गया, दूसरा वाला आप खाली ए माइनस बी बाई 2 करके अपना कर लेंगे, हम ये वाला तीसरा कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा में ए प्लस बी बाई 2 है, साइड में है पहले तब एंगल में है। चलिए आइए यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली टेन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, टेन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 बराबर साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 बाई साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉट ऑफ सी बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे। अब आ जाइए नाउ,
अब हम लोग करने जा रहे हैं कि टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू बराबर क्या होगा। तो टेन ऑफ ए माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई टू क्या होगा। तो टेन ऑफ ए प्लस बी बाई टू निकालने के लिए हमको टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, तो टेन ए बाई टू साइड वाला फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर साइड वाला फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि साइड वाला फॉर्मूला भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं, बाय फॉर्मूला ऑफ हाफ साइड। तो बाय फॉर्मूला ऑफ हाफ साइड से हम लोग जानते हैं नाउ टेन ए बाई टू का जो वैल्यू होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो होता है अंडर रूट माइनस कॉस एस, है ना, एंगल में है एस, यहाँ ध्यान देना ये कैपिटल एस लिखा रहा है, कॉस एस एंड कॉस ऑफ एस माइनस ए बाई कॉस ऑफ एस माइनस बी और कॉस ऑफ एस माइनस सी, ये लिखाएगा, टेन ए बाई टू लिखाया। अब यहाँ पर और यहाँ पर यदि हम कर दें कि टेन ए बाई टू हो गया, तो उसी तरह से टेन यदि हम मान लीजिए कि बी बाई टू कर दें, टेन बी बाई टू करें, टेन ए बाई टू हुआ, टेन बी बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, टेन बी बाई टू आएगा, तो यही सब आएगा, माइनस कॉस एस कॉस एस माइनस बी बाई कॉस ऑफ एस माइनस ए कॉस ऑफ एस माइनस सी, ये लिखाया। और यदि हम ये दोनों को गुना करवाएं, ठीक है, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू को, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ ये पीछे आइए, यहाँ ये यहाँ पर दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बाई टू और यहाँ पे टेन सी बाई टू, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी बाई टू टेन सी बाई टू, तो टेन सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉट सी बाई टू, तो वन बाई कॉट सी बाई टू लिखेंगे, कॉट इधर जाके गुना होगा, तो टेन ए प्लस बी बाई टू कॉट सी बाई टू निकालेंगे, है ना, हम लोग ये निकालेंगे। और ठीक है, टेन ए बाई टू और एक जगह फॉर्मूला में आएगा कि टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू जब तोड़ेंगे तो नीचे में आएगा वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। तो हमको कॉट का जरूरत है सी बाई टू का, ठीक है, और एक जरूरत है किसका, टेन बी बाई टू का, लास्ट में मतलब नीचे में जो आता है गुना फैक्टर करने के, गुना करने के लिए जो वन माइनस करके आएगा, तो उसके लिए जरूरत है। तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पर टेन बी बाई टू, तो इसको गुना करवा देते हैं, टेन ए बाई टू और बी बाई टू क्या आता है, पहले यही निकाल लेते हैं, इसको गुना करवाएंगे तो क्या आएगा जरा देखिएगा, माइनस कॉस एस कॉस ऑफ एस माइनस ए बाई कॉस ऑफ एस माइनस बी कॉस ऑफ एस माइनस सी माइनस कॉस ऑफ, गुना में है, माइनस कॉस ऑफ एस माइनस बी बाई कॉस ऑफ एस माइनस ए कॉस ऑफ एस माइनस सी, ये आया। अब यहाँ पर क्या कि एस माइनस ए वाला ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस एस माइनस बी है ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये, तो ये लिखाएगा कॉस एस बाई कॉस ऑफ एस माइनस सी, ये लिखाएगा, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू लिखाया, ठीक है। अब हमको लिखना है कि टेन ए बाई टू टेन कॉट, टेन ए बाई टू कॉट सी बाई टू क्या होगा, टेन बी बाई टू कॉट सी बाई टू क्या होगा, क्योंकि यही दोनों का यूज आएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं कि कॉट सी बाई टू क्या लिखेंगे आप, तो कॉट सी बाई टू को लिखेंगे वन बाई टेन ए बाई टू, तो जो लिखा हुआ है उसी को उलट देंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको जो कॉट सी बाई टू है, कॉट सी बाई टू निकाल रहे हैं, कॉट टेन सी बाई टू, तो सी बाई टू मतलब उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस एस माइनस बी बाई
माइनस कॉस एस माइनस सी एंगल में। ठीक, अब यहां से निकालिए टेन ए बाय टू, ठीक है, और कॉट सी बाय टू, ये क्या देगा? ये दे देगा हमको कॉस एस, माइनस कॉस एस होता है उसका, और कॉस होता है एस माइनस ए बाई कॉस एस माइनस बी कॉस एस माइनस सी, यहाँ देगा कॉस एस माइनस ए कॉस एस माइनस बी बाई माइनस कॉस एस माइनस सी, ये दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस एस माइनस बी है ये कट गया, कॉस एस हटा दीजिए, बचा क्या? बचा कॉस एस माइनस ए बाई कॉस एस माइनस सी। उसी तरह से टेन बी बाई टू यदि कोई करेगा, बी बाई टू कॉट सी बाई टू निकालें, ये क्या निकलेगा? तो टेन बी बाई टू है तो कॉस निकलेगा, एस माइनस कितना, बी बाई कॉस निकलेगा एस माइनस सी, ये आ गया। तो अब हम लोग करते हैं, नाउ कैलकुलेट करने चले कि टेन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, ये क्या देगा? तो लिखने का तरीका हो गया टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू और कॉट हो गया सी बाई टू, ये क्या दिया? तो ये देगा हम लोग को टेन ए बाई टू कॉट सी बाई टू। इसका फॉर्मूला पहले तोड़िए, टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, ये हो गया, और यहाँ है कॉट सी बाई टू। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काम करवाएंगे तो क्या है, गुना करवाएंगे तो क्या आएगा? टेन ए बाई टू कॉट सी बाई टू आया, फिर उसके बाद प्लस टेन बी बाई टू कॉट सी बाई टू आया, नीचे आया वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। तो जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग पहले निकाले हुए उसको बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस एस माइनस ए बाई कॉस एस माइनस सी प्लस कॉस एस माइनस बी बाई कॉस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई टेन वाला में वन माइनस, इसका कितना आता है? टेन ए बाई टू टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, टेन ए बाई टू कॉस एस बाई कॉस एस माइनस है, यहाँ पे कॉस एस बाई कॉस एस माइनस सी, कॉस एस बाई कॉस एस माइनस सी, कॉस एस बाई कॉस एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको देगा कॉस ऑफ एस माइनस ए प्लस कॉस ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एस माइनस सी माइनस कॉस एस, ये क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, चीज देखिए जगह, टेन ए बाय टू और टेन बी बाय टू में माइनस यहां पे एक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस एस है माइनस कॉस एस है, ठीक है, तो ये दो वैल्यू दे सकता है ना, तो यहाँ पे कहता है कि आप माइनस खत्म मत कीजिए, यहाँ माइनस रखिए, तो रख लीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर में था, माइनस कॉस एस माइनस कॉस एस, तो माइनस कॉस एस का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब है क्या है कि हमको यहाँ माइनस कॉस एस बाहर निकालेंगे। ठीक, और माइनस कॉस एस जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस कॉस एस जब यहाँ आएगा तो ये ऑलरेडी उसको प्लस कर देगा, और प्लस करने के बाद तब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आ जाएगा
कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, टू कॉस, तो एस प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी बाई टू इंटू कॉस एस माइनस ए माइनस एस प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई टू कॉस है ना एस माइनस सी प्लस एस बाई टू इंटू कॉस एस माइनस सी माइनस एस बाई टू, ये आ जाएगा टू कॉस टू एस माइनस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस, ये आ जाएगा एस खत्म, तो माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई टू ये रख लेंगे। नीचे आ जाएगा टू कॉस टू एस माइनस सी बाई टू इंटू कॉस माइनस सी बाई टू। अब ये क्या आएगा, टू टू खत्म, कॉस आया, इसका फॉर्मूला ए टू एस कैपिटल है तो कैपिटल में एंगल पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाई क्या टू कॉस ए माइनस बी बाई टू होगा, और ये हो जाएगा कॉस टू एस माइनस एस है तो कॉस लिखिए एंगल में, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाई टू, और ये लिखिए कॉस सी बाई टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू एस इज इक्वल टू, क्यों लिखेंगे, क्योंकि टू एस इज इक्वल टू कैपिटल एंगल में ऐसे समान, ठीक है, सिंस। अब यहां पर क्या आएगा कि ये आप लिख सकते हैं कॉस ए और बी खत्म, तो सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू, खत्म कीजिए इसको, ये आ गया कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब ये जो आया किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला मेरा टेन ए प्लस बी बाई टू कॉट सी बाई टू, ये निकला, तो इसको हम लिखेंगे टेन ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस ए माइनस बी बाई टू बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट टेन सी बाई टू, निकल गया ना, ये हो गया। अब सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर टेन ये निकाल देंगे ए माइनस बी बाई टू, एन टेन ए माइनस बी बाई टू लिखेंगे तो साइन में आ जाएगा, साइन ए माइनस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू, सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली ना, ये आ जाएगा टेन सी। तो ये था नेपियर्स का रूल, ठीक है, कि नेपियर्स ने ऐसे बात कहा, तो अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे नेपियर्स के बाद डिलम्बर्ट्स एनालॉजी, ठीक है, डिलम्बर्ट्स एनालॉजी जो है वो क्या कहता है, ठीक है।